नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फरखाबाद से ये खबर। विद्युत विभाग कर्मचारियों का अनशन, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। संघर्ष समिति बिजली कर्मचारियों पर चेकिंग के दौरान लगाए जा रहे हैं झूठे मुकदमे। जी हां, झूठे मुकदमों को लेकर दिया ये धरना। विद्युत कर्मचारियों ने डीएम को पूर्व में सौंपा था ज्ञापन। बिजली कर्मचारियों पर चेकिंग के दौरान हुए झूठे मुकदमों को वापस करने की थी मांग। मांग न पूरी होने पर विद्युत कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। मुकदमे वापस नहीं तो नहीं करेंगे, विद्युत कर्मचारी कहे। जी हाँ, विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 18 की धारा 68 के अनुसार चेकिंग के दौरान किसी प्रकार का वाद या मुकदमा नहीं होगा दर्ज। अधिनियम 2003 को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है विद्युत कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे। वहीं आपको बता दें, मुकदमे वापस नहीं हुए तो विद्युत कर्मचारी करेंगे बड़ा आंदोलन। फतेहगढ़ के बोलेपुर विद्युत सब स्टेशन का मांग। आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन किस बात को लेके है और क्या मांगे हैं आपकी? ये जो आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये एक तरीके से अनशन है, जो कि हम बिना अन्न एवं जल के यहाँ पे अनवरत जो अनशन कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है 9 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो बिजली कर्मचारी चेकिंग जो टीम जो बिजली चेकिंग करती है, वो उनके खिलाफ जो है लोगों द्वारा अनावश्यक जो है फर्जी जो है झूठे एवं मनगढ़ंत जो है मुकदमे लिखा जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे सारे कर्मचारियों में पूरी तरीके से रोष व्याप्त है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बिजली कर्मचारी अपने कार्य करते समय अगर मुकदमे होंगे तो वो फिर वो चेकिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब वो विभाग के लिए वो सरकारी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेन मुद्दा ये था कि हमारी सरकार से और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार के जो भी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ जो मुकदमे जो दायर हो रहे हैं या बात दायर हो रहे हैं, उनमें देखा जाए। क्योंकि हमारे एक्ट जो है विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 18 की धारा 168 में साफ साफ अंकित है कि सद्भाव पूर्वक बिजली कर्मचारियों द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उनके काउंटर में कोई FIR दर्ज नहीं होगी। मतलब कोई भी मतलब बिजली अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई भी ना तो बात दायर होगा, ना कोई अभियोजन होगा और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। परंतु इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए फिर भी हमारे बिजली अधिकारियों, चेकिंग टीम और अन्य जो है कर्मचारियों पर लगातार फर्जी झूठे मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। इसका जो अन्न और जल का जो आज जो अनशन चल रहा है और ये आमरण जारी रहेगा। ये कब तक जारी रहेगा आपका? ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और इस प्रकार के जितने भी झूठे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं हमारे कर्मचारियों पर, चेकिंग टीम पर, अधिकारियों पर, वो सभी वापस हों और आगे भविष्य में भी इस प्रकार के कोई भी मुकदमे ना किए जाए। आप लोग कार से भी बिगड़ते रहेंगे? कार विद्युत आपूर्ति जो आम जनमानस को हम लगातार देते रहेंगे और जो हमारा कैश काउंटर है इसमें उपभोक्ता अपना बिल जमा करते रहेंगे, बाद बाकी हम लोग कार से बिगड़ते रहेंगे। लोगों ने हड़ताल की है तो किस बात को लेकर की और क्या आपकी मांगे हैं? हम लोग जो है केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिनांक 7 तारीख से लगातार अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले चरण में हमारा कार्यक्रम दिनांक 7 तारीख को अपने उच्च अधिकारियों को के माध्यम से ज्ञापन प्रेषण करके अपनी मांगों को, जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर हमने ज्ञापन प्रेषण का कार्यक्रम किया। फिर 8 से 12 तारीख के बीच में हमने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी मांगों को प्रबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सम्मुख अपना पहुंचाया अपनी बातों को। और आज द्वितीय चरण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम द्वितीय चरण में दिनांक 13 तारीख को 10 बजे से अनवरत हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा है सामूहिक उपवास का, और अगले 24 घंटे तक चलता रहेगा, यानी 14 तारीख के 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश लेवल का है, केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर चूंकि हो रहा है तो हर जनपद में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे जो है, मैं आपको बताऊं, जो नॉन फंक्शनल ग्रेड पे 4800 है, इसको विलोपित करने के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा जो हमारा कार्य है मांगे, वो प्रोन्नत कार्मिकों जिनके तृतीय ACP के आदेश निर्गत हो चुके हैं 1/1/2020 एवं 16/8/2021 को, लेकिन उनका वेतन निर्धारण के लिए ग्रेड वेतन 8700 पर निर्धारित कर वेतन पर्ची अभी तक निर्गत नहीं की गई है। तीसरी जो हमारी प्रमुख मांग है वो 4600 ग्रेड वेतन को 1/1/2006 से लागू करने के लिए है। और चौथी हमारी जो प्रमुख मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए है। और
पांचवी हमारी एसीआर व्यवस्था है, जो एसीआर हमारी भरी जाती है उसको पूर्णतया कमर्शियल कर दिया गया है, परंतु संसाधन और साधन विभाग द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन समीक्षाएं जो हो रही हैं वो कमर्शियली हो रही हैं और उसी पे हमारा जो है एसीआर फॉर्मेट बनाया गया है, तो उसमें आवश्यक संशोधन के लिए संगठन के द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए थे, परंतु वो आज तक लागू नहीं किया गया है। इसमें आपकी प्रमुख मांगे कितनी हैं? हमारी टोटल 5-6 जो मेन मांगे हैं, बाकी हमारी टोटल जो है विभागीय समस्याओं को लेकर 18 सूत्री मांगे हैं टोटल। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती हैं तो हमारा अनवरत केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जैसा निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। और अभी जो है कल मैसेज आया था कि प्रबंधन ने प्रथम दौर की वार्ता भी बुलाई थी, परंतु वो वार्ता बेनतीजा रही है, इसलिए आज हम लोगों को यह कार्यक्रम करने के लिए विवश होना पड़ा और हम लोग जो है ये सुबह से 10 बजे से अनवरत ये कार्यक्रम कर रहे हैं सामूहिक उपवास का।